पाताल भुवनेश्वर भगवान शिव के भूमिगत मंदिर है, जो कि 160 मीटर लंबी और 90 फीट गहरी है। तो ये शिव भगवान को समर्पित है। माना जाता है कि इस मंदिर में 33 कोटि देवताओं का वास है, नॉट 33 करोड़। इस गुफा में की ओर से जारी पतली सुरंग में अनेक चट्टानों की संरचना नक्शाधिकार विभिन्न भगवानों को जटिल छवियाँ दिखाया देख सकते हैं। यहाँ पे पूरी पंचाचोली पीक देख सकते हैं, नंदा देवी पर्वत देख सकते हैं इस तरफ सारा। तो चलते हैं। तो यहाँ से रास्ता कट गया है, चाकोरी जगह है, और 35 किलोमीटर है पाताल भुवनेश्वर। हल्द्वानी आगे है इसके बाद, लेकिन हमें वापसी आना पड़ेगा। हैप्पी होम रिसोर्ट पाताल भुवनेश्वर 36 मोर देन 1 आवर लग जाएगा, क्योंकि रोड जंगल का है और बहुत सिंगल रोड है। अगर डबल होता तो फिर तो सही स्पीड बन जाती है डबल रोड पे। नायरा पेट्रोल पंप 92 रुपये लीटर, 92 ये डीजल होगा, 97 मेगा, इतना सस्ता हो गया। तो गाइस बैरीनाथ पहुंच गए हैं। ये नयारा पेट्रोल पंप है, पहले भी हमने पेट्रोल डलवाया था और ये सेकंड टाइम हमने यहाँ पे पेट्रोल डलवाया है। 620 का मेरा, 550 का सुरेंद्र भाई का। कितना का पेट्रोल डाला? 450 का। 450, 200 सीसी का फर्क तो है ही। चलते हैं आगे। यहाँ का पेट्रोल पंप बहुत ही खूबसूरत जगह पे। तो लो जी, हम पहुँच गए हैं पाताल भुवनेश्वर सूचना इंफॉर्मेशन केव टेंपल। तो गाइस पाताल भुवनेश्वर की पार्किंग में पहुँच गए हैं। ये पीछे है गेट, यहाँ से एंट्री होएगी। हमने हमारी बाइकें खड़ी हैं और यहाँ पे सामने इस महादेव भोजनालय पे हमने खाना खाया है और सामान भी हमने अपना यहीं रख दिया, राइडिंग जैकेट वगैरह। और ये एंट्री गेट है, ये लिखा हुआ है पाताल भुवनेश्वर केव। और 200 मीटर पे बता रहे हैं कि 200 मीटर पे है मंदिर, सीढ़ी से जाना पड़ेगा। ये सारा ये रास्ता है पूरा, वो नीचे रहा। पाताल भुवनेश्वर भगवान शिव के भूमिगत मंदिर है, जो कि 160 मीटर लंबी और 90 फीट गहरी है। तो ये शिव भगवान को समर्पित है। माना जाता है कि इस मंदिर में 33 कोटि देवताओं का वास है, नॉट 33 करोड़। इस गुफा में की ओर से जारी पतली सुरंग में अनेक चट्टानों की संरचना नक्शाधिकार विभिन्न भगवानों को जटिल छवियाँ दिखाया देख सकते हैं। यहाँ पे पूरी पंचाचोली पीक देख सकते हैं, नंदा देवी पर्वत देख सकते हैं इस तरफ सारा। तो चलते हैं आगे। तो हमारा सुबह का जो प्लान था मुंशियारी का, तो हम मुंशियारी रहे थे, लेकिन रास्ते में हमें एक जगह बोर्ड नज़र आया पाताल भुवनेश्वर का। मैंने कहा यार ये इतना पास है तो इसको भी एक्सप्लोर कर ही लेते हैं, एक और नगीना जुड़ जाएगा हमारी लिस्ट में। ने 200 मीटर ही है, ज़्यादा लंबा तो नहीं है, इजी रूट है। ए एस आई प्रोहिबिटेड एरिया, प्रतिबंधित क्षेत्र, फोटो संग्रह, गुफा दर्शन की फोटो एल्बम। ओम नमः शिवाय। ये एंट्री गेट है मंदिर का, केव टेंपल। चुनियाँ बांधी हुई हैं यहाँ पे। यह है रिसेप्शन और आगे से एंट्री है गुफा की, और ये शिवलिंग छोटा सा। और अंदर की फोटोग्राफी गुफा के अंदर ले जाना, फ़ोन कैमरा कुछ भी सब मना है। तो यहीं तक अभी आपको पिक्चराइजेशन में ये सामने लास्ट, और यहीं पे जूते उतारने हैं, और यहीं पे जूते उतार के फिर आगे चलना है मंदिर में। ये हमारे भाई लोग जूते उतारे। ये है गुफा का मेन एरिया पॉइंट,
यहाँ से एंट्री होती है गुफा की। कितनी गहरी है नीचे? 90 फुट। हाँ 90 फुट। 90 फुट है। चलते हैं अंदर, जमा कराते हैं मोबाइल कैमरा। और ये सामान 90 फीट की गहराई, 82 सीढ़ियाँ हैं गुफा में। कोई नहीं। ये मेरे पीछे गुफा है, अनदर वर्ल्ड। अंदर बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं है, सांस ऐसे तेजी से चलती है, भागती है। हाँ वाह, परे। हाँ जी, कैसा एक्सपीरियंस? एक नंबर, अद्भुत अद्भुत। क्या सांस पहले चलती है, फिर भागती है, फिर भाग जाती है। अलग ही वर्ल्ड है, नेक्स्ट लेवल गुफा है। पहले तो नीचे उतरने की टास्क होती है कि कैसे उतरे। चढ़ने में दिक्कत नहीं, उतरने में दिक्कत है। उतरने में दिक्कत है, चढ़ने में इजी है। अंदर भी थोड़ा फिसलन है गुफा के अंदर, जैसे चलते हैं तो वो भी बड़े ध्यान, हाँ बड़े ध्यान से चलना पड़ता है। बट एक्सपीरियंस इज अल्टीमेट, एक बार आप ज़रूर अंदर आएँ। पूरा चार धाम की यात्रा हो जाती है आपके यहाँ पे आने पे। जय भोले, भगवान भोले भी कहाँ कहाँ पहुँचे हुए हैं। बच चुके हैं हम 4:30 गए थे, आधा घंटा लग गया था पूरा नीचे उतरने चढ़ने और अंदर घूमने में, पूरा आधा घंटा। पंडित जी ने पूरा समझाया हमारे को। और मैं दिखा दूं आपको, जो आप ये देखिए, पताल भूषण गुफा में आपका स्वागत है। त्रेता युग में इस गुफा की खोज राजा ऋतु पर्व द्वारा की गई। द्वापर युग में पांडवों द्वारा, कलयुग में 1819 में मान सखंड के कंद पुराण के आधार पर आदि जगत गुरु शंकराचार्य द्वारा गुफा की खोज की गई। और यह पुण्य भंडारी परिवार इस यहाँ पे पूजा करता है, 10वीं पीढ़ी है। और ये ग्रेट, दैट्स अमेजिंग। आप इधर आए तो जरूर पताल भुवनेश्वर में भगवान भोले के दर्शन करें। जय भोले की। चलते हैं अब वापसी। तो अभी हमें पताल भुवनेश्वर में और ये भाई मिले हैं, क्या नाम है डॉगी का? रॉकी। रॉकी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। और ओम पर्वत और कहाँ गए थे? आदि कैलाश होके आए हैं। बहुत ही अमेजिंग यार, गाय, दिस गाय इज़ वेरी अमेजिंग। और एक साल में 14 ट्रिप कर चुके हैं अपनी बाइक पे। थैंक यू गाइस, जय बोलेगी। बाय रॉकी, रॉकी बाय। चलो ऊपर, अब ये ऊपर बैठेगा। हम थे अभी पाताल भुवनेश्वर और हमने महादेव के दर्शन करे, चारों धाम के दर्शन अंदर हो गए हैं। और ये है 1350 मीटर अबव द सी लेवल यहाँ पे। और महादेव भोजनालय पे हमने खाना खाया, बहुत ही टेस्टी खाना है इनका। दाल चावल खाए थे और कॉफ़ी भी पी, बहुत ही मस्त। और इन्होंने सब्सक्राइब भी किया मेरे को, थैंक यू। चले भी, हाँ सुरेंद्र चले। अच्छा जी, ये भाई नजोगढ़ से आए हैं डॉग को लेके, जिनकी पिक्चर अभी आ रही होगी। अमेजिंग है यार ये प्लेस भी, क्या क्या है इंडिया में आप सोच नहीं सकते, अमेजिंग। तो 30-35 किलोमीटर और चल के फिर कहीं पे हम स्टे करेंगे और फिर कल सुबह निकलेंगे मुंशियारी के लिए। तो 35 किलोमीटर अभी चलेंगे और 6 बज चुके हैं और 7 बजे तक पहुंच जाएंगे, फिर वहां स्टे करेंगे। पहुंच गए हैं चकोरी, और मुंशियारी यहां से 92 किलोमीटर 93 है। और ये हमने होटल बॉर्डर वे
एंड रेस्टोरेंट में रूम लिया है, बहुत ही शानदार रूम मिला है 900 रुपये में, 3 बेड, हिल साइड है, पूरा मॉर्निंग का व्यू मैं आपको दिखाऊंगा। और ये हमारी बाइक पार्क हो गई है यहाँ पे, साथ में रेस्टोरेंट है। तो चलते हैं अभी होटल रूम में, रूम में चल के बात करते हैं। यहाँ से हिमालय का व्यू बहुत ही शानदार नज़र आएगा सुबह, इसलिए हिल व्यू होटल लिया हमने। और ये रहा हमारा रूम।